कोई भी आरएसएस वाले कोई भी हमारा बाल भी बिंगा नहीं करते। और याद रखो दुनिया उसी को डराती है जो डरता है, दुनिया उसी से डरती है जो डराना जानता है। क्या है अकबरुद्दीन ओवैसी से नफरत क्यों है? सौ सुनार की तो एक लोहार की, 15 मिनट ऐसा जर्ब है जो अभी भी नहीं भर सका। अरे ये हिम्मत है, अरे खुदा रा। कल जो हैदराबाद का एक विधायक है जो उसकी मानसिकता बिल्कुल बिगड़ चुकी है और उसको समटाइम पागलपना का दौरा भी आता है और बार बार ये कहता है कि 15 मिनट, तो मुझे ये समझ में नहीं आता इन लोगों को जो बार बार 15 मिनट का समय देते हैं, तुम्हें 15 मिनट नहीं, तुम्हें हम 15 घंटे देंगे, 15 घंटे नहीं, हमें तुम 15 महीने देंगे, हम तुम्हें 15 महीने भी नहीं, हम तुम्हें 15 साल देंगे, 15 साल नहीं 15 बार तुम्हारे बाप दादा रे तुम्हारा खानदान भी पैदा हो गया, चलो हम तुम्हारे उतना टाइम देंगे, तो भी तुम हम हिंदुओं का बाल भी बाका नहीं उखाड़ सकते। और कल भीड़ में जैसे होता है ना, भेड़ियों के झुंड में एक भेड़िया भौंकता है, उस प्रकार से अकबरुद्दीन ओवैसी जिसके ऊपर देश द्रोही केस बुक है, वो खुद एक देशद्रोही है, उसका बड़ा भाई एक देशद्रोही है, उसकी पार्टी देशद्रोही समर्थन पार्टी है, ये लोग बार बार भड़काने का प्रयत्न कर रहे हैं, देश का वातावरण खराब करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं इन दोनों छोटे मियां बड़े मियां को इज्जत से समझाना चाहूंगा कि इस तरह के भड़काऊ भाषण देना बंद करें। तुम्हें 15 मिनट नहीं, तुम्हें जितना समय चाहिए हम तुम्हें देंगे, अगर तुम्हारे में दम है, अगर तुम एक बाप की औलाद हो तो मैं राजा सिंह तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम्हारी सिक्योरिटी छोड़ो, मैं मेरी सिक्योरिटी छोड़ता हूं, छोड़ दो 100 करोड़ की हिंदुओं की तुम क्या बात करते हो, तुम्हारे में उतनी दम नहीं, चलो आ जाओ आमने और सामने का लड़ाई लड़े, आमने और सामने का युद्ध लड़े, फिर देखेंगे तुम्हारे में कितनी दम है और हमारे में कितनी दम है।